प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम आपको एक रेलगाड़ी वाले प्रश्नों से संबंधित संख्यात्मक प्रश्न समझाएंगे। इससे पहले हमने आपको रेलगाड़ी वाले प्रश्नों को हल करने के संबंध में कुछ नियम बतलाए थे। आज का जो प्रश्न है हमारा वह है होटल मैनेजमेंट की परीक्षा में सन 2008 में आ चुका है। आज के प्रश्न के अनुसार हमारे लिए रेलगाड़ी की लंबाई दी गई है, रेलगाड़ी की चाल दी गई है और प्लेटफार्म की लंबाई दी गई है। क्लियर। तो हमसे ये पूछा गया है कि रेलगाड़ी द्वारा प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए अपने मुख्य प्रश्न पर आते हैं हम। एक 220 मीटर लंबी रेलगाड़ी की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितने पार करने में कितना समय लेगी। क्लियर। तो ये प्रश्न हो गया हमारा। जैसा कि आपको हमने कई बार बतलाया था, जो आंकड़े दिए होते हैं उन्हें पहले हम लिख लेते हैं, उससे हमें प्रश्न करने में काफ़ी सुविधा होती है। तो सबसे पहले हमने लिख लिया रेलगाड़ी की लंबाई 280 मीटर, गाड़ी की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा, प्लेटफार्म की लंबाई 220 मीटर। अब चूंकि यहाँ पर गाड़ी की लंबाई मीटर में दी गई है और प्लेटफार्म की लंबाई भी मीटर में दी गई है और जो हमारे प्रश्न में विकल्प दिए हुए हैं वो सेकंड में दिए हुए हैं, तो इसलिए दो बातें हैं। एक तो चूंकि ये मीटर में है इसलिए इसको हम मीटर बनाएंगे। दूसरी बात यह है ये घंटे में है इसलिए इसको हम सेकंड में बनाएंगे, अर्थात किलोमीटर प्रति घंटे को हम मीटर पर सेकंड में बनाएंगे। इसके लिए क्या करेंगे, हम इस किलोमीटर प्रति घंटे को हटा कर हम इसके स्थान पर 5/18 मीटर पर सेकंड लगा देंगे। तो ये 60 हमारे ये आ गए और 5/18 मीटर पर सेकंड ये आ गए, इससे इसको कैंसिल करा 6 × 3 = 18 और 6 × 2 = 60, ये आ गया 10×5 = 50, 50/3 मीटर पर सेकंड। क्लियर। अब ये हमारे प्लेटफार्म की लंबाई दी गई थी 220 मीटर। हमने जैसा कि आपको बतलाया था समय बराबर होता है L1 + L2/V1 + V2। तो देखिए इस प्रश्न के अंतर्गत पहले वाली वस्तु को हमने रेलगाड़ी माना, दूसरे वाली को हमने प्लेटफार्म माना, तो यहाँ पर प्लेटफार्म तो चल नहीं रहा है इसलिए इसको तो हटा देंगे। क्लियर। तो यहाँ पर हमारा फार्मूला बन जाएगा गाड़ी द्वारा प्लेटफार्म को पार करने में लगा समय बराबर गाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई / गाड़ी की गति। क्लियर। तो यहाँ पर गाड़ी की लंबाई की जगह हमने 280 लगा दिया और प्लेटफार्म की लंबाई की जगह हमने 220 लगा दिया, बटे में गाड़ी की गति की जगह हमने 50/3 लगा दिया। अंश में 280 और 220 का जोड़ जो है वो 500 आ गया और ये हमने 50/3 जो है ये पलट जाएंगे, अर्थात 3/50 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने इसको पलट दिया, 3/50 ये आ गए, हर वाले 50 से अंश वाले 500 को काटेंगे तो 10 आ जाएंगे। क्लियर। इनके अंश में जो आपके 10 और 3 आए इनकी गुणा करेंगे, 10 × 3 = 30, 30 सेकंड आपका आ जाएगा उत्तर, अर्थात गाड़ी जो है वो प्लेटफार्म को 30 सेकंड के अंदर पार कर लेगी, ये आपका उत्तर हो गया। विकल्प में आपके कई दिए हुए होंगे, उसमें जिसमें आपको 30 सेकंड दिया हुआ है उस पर आप सही का निशान लगा देंगे, आपका प्रश्न सही हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्नों का आप अभ्यास करिए, अगली बार किसी और प्रश्नों को बतलाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।